हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया है नाइफ वाली सीरीज पे। दो वीडियो ऑलरेडी काफी अच्छे व्यूज पा चुके हैं, तो काफी कमेंट सेक्शन में मेंशनिंग आया थी एक क्लीवर के लिए, जो कि एक चाइनीज क्लीवर, अगर आपको एक नाइफ का टाइप बताओ, ठीक है, तो वो थोड़ा बड़ा साइज का नाइफ होता है, जिसको काफी लोग कॉमन नेम में छापड़ या बुजर नाइफ के नाम से जानते होंगे, ठीक है, तो उस तरीके का वो लगता है। बेसिकली मैं जब ऑर्डर कर रहा था तो मैंने उसी नाइफ को प्रेफर किया जिस पे सबसे ज़्यादा रेटिंग थी, तो और ये भी सोलिमो नाइफ ही है जो कि मैं आज रिव्यू करने वाला हूँ। ये जो था आपका मोस्ट रेटेड, कितना लगभग इस पे 4000 प्लस रेटिंग थी, एंड मुझे ये खोजने में थोड़ा सा दिक्कत भी हुआ था, जस्ट बिकॉज जब फर्स्ट टाइम मैंने ऑर्डर किया था सारे सोलिमो नाइफ इजीली अवेलेबल दिख रहे थे, बट बीच में ये अचानक से सर्च लिस्ट से एकदम से लगभग से गायब हो गया था, मुझे मिल नहीं रहा था, तो ये वीडियो काफ़ी फिर उसके बाद मैंने ड्रॉप डाउन कर दिया आइडिया, एंड फिर लास्टली ये देखने को मिल गया आपको, क्योंकि सर्च बार में मुझे मिल गया था। और ये अमेजोन ने ही नोटिफिकेशन मुझे भेजा था कि ये इस पे डील चल रहा है कुछ, इसका प्राइसिंग थोड़ा सा कम हुआ है, तो मैंने बोला ये वापस से आ गया है, तो मैंने उसे ऐड टू कार्ट करके रख लिया था कि हाँ भाई बाद में कर लिया जाएगा। सो चलिए इसको ओपन करते हैं एंड इसका फर्स्ट लुक मैं भी ले लूँ और आपको भी देखने को मिल जाएगा। हालांकि ये बॉक्स में नीचे से वे करते हुए आया हूँ और इसका वेट लगभग मतलब विद बॉक्स 540 ग्राम्स था, तो मोर ओवर 40 ग्राम्स हम इसके बॉक्स का वेट ले लेते हैं, एंड आप ये मान सकते हैं कि आधा किलो का लगभग है ये नाइट, राइट। लगता ही इसको खोलने में मेहनत लगने वाला है। अच्छा ठीक है, बढ़िया से कट जा रहा है। चलो गाइस, हमने गलत कैंची ले आया है खोलने के लिए, पीछे से सपोर्ट टीम बोला जा रहा है दूसरा कैंची ले लो, कोई बात नहीं, हम लोग इतने में काम हो जाएगा। चलो भैया ये कट चुका है, तो अब इसे खोल के देखते हैं। ओके, तो ये है कुछ इसकी पैकेजिंग, भारी भरकम, अंदर में कुछ नहीं है, ये पान मसाला। चलो तो That's the first look and weight, हाँ आधा किलो है ये पता चल रहा है हाथों में, राइट। एंड ये फॉर प्लास्टिक मटेरियल, ये सेफ्टी के लिए है, ठीक है, तो आप इसे बाद निकाल देना। बाकी बात बोलूँ तो एक चीज मैं साफ साधा बोलना चाहूंगा, इसकी शार्पनेस दूर से ही पता चल रही है, ठीक है, सच्ची बता रहा हूँ। अगर ये शाइन नहीं मार रहा हो उस एंगल से, अगर एक बार दिखाना, हाँ ये देखो कुछ पता चल रहा है, ये लिटरली बहुत शार्प है। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन में थोड़ा बहुत दे देता हूँ जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी है, राइट। तो इस ये भी कार्बन स्टेनलेस स्टील का बना हुआ है, जो कि स्टेनलेस स्टील का एक वैरायटी होता है जिसमें कि कार्बन डॉप्ड होता है। ये एक अच्छा एलॉय माना जाता है और काफी ज्यादा इसमें मजबूती उसका बोला जाता है, राइट। तो अब इसमें क्या है, एक तो आपका ये मजबूती का मटेरियल मिल गया कार्बन स्टेनलेस स्टील के चलते, एंड जो स्टेनलेस स्टील है उसके चलते आपका ये रस्ट फ्री रहेगा, दैट्स द पॉइंट। सो बात करूं इसका जो हैंडल मटेरियल है, हैंडल मटेरियल ये बिल्कुल ही दोनों ही नाइफ के बराबर है, यानी कि जो इनका जापानीज नाइफ है एंड ये जो इनका प्रॉपर जो शेफ नाइफ है, दोनों का हैंडल बिल्कुल इसी लेंथ पे है जितना पे हाथ पकड़ने के लिए होगा, ठीक है, तो इस पे कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी बात इसके लेंथ जो है लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 inches के अराउंड है। अब देखो ये जो तीन पॉइंट्स पे जुड़ा हुआ है, इसका काम मैंने ऑलरेडी बता चुका है, पर अगर कोई ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहा है और पिछले वीडियोस नहीं देखे हैं तो भी मैं बता देता हूँ। तो ये जो तीन जॉइंट्स पे यहाँ पे अटैच होता है ना, उसके वजह से आपका जो हैंडल ब्लेड से अलग हो जाएगा उसका चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो चलो इसका टेस्ट करते हैं, और टेस्टिंग के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं एक शहीद टोमेटो, मतलब शहीद है नहीं, शहीद करेंगे उसको, राइट। चलो तो मैं टोमेटो लेकर के आ जाता हूँ, यू गाइस कैन वेट। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, सो दिस टोमेटो इज स्पॉन्सर्ड बाय माय मम्मी का किचन, राइट। तो चलो भाई इस टमाटर को काटा जाए। अब देखो टमाटर हम लोग क्यों ले रहे हैं, उसका रीजन मैंने पिछले वीडियो में बताया, मैं इसको ही एज जेन्युइन सब्जी मानता हूँ जो एक नाइफ को टेस्ट कर सकता है, बिकॉज अगर आपका नाइफ का शार्पनेस अच्छा नहीं है एंड आपने बाय फोर्स लगाया तो ये पिचक जाता है, राइट। तो अगर ये बिना पिचकाए हुए इस टमाटर को प्रॉपरली काट पाता है
तो मेरे हिसाब से ये पास है। और एक बात, हम लोग दो तरीके से इसको काटने की कोशिश करेंगे। एक साइड वाइज, क्यों? क्योंकि साइड वाइज में इसका शार्पनेस लगेगा, वेट का कोई फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, आप वर्टिकली अगर चॉप कर रहे हैं तो वेट का फैक्टर लगेगा, एंड जो टमाटर है वो वजन की वजह से भी अच्छी तरह से कटता है। बट जब हम लोग इसे हॉरिजॉन्टली काटेंगे तो यहाँ पे कोई भी वेट का फैक्टर नहीं आने वाला है। तो चलिए इसे काटते हैं। ये चॉपिंग बोर्ड भी स्पॉन्सर्ड है, ठीक है। चलो पहले इसे साइड वाइज काटेंगे, राइट? ओके, काफी फाइन स्लाइसेस कर सकता है ये टमाटर, और फाइन करने की कोशिश करते हैं। क्या हम इससे एकदम ट्रांसपेरेंट शीट काट सकते हैं? लुक इट गाइस, लगभग से ट्रांसपेरेंट है। चलो और पतले शीट काटने की कोशिश करते हैं, इस बार पूरा शीट, इस बार गलत नहीं होगा, पूरा एक स्लाइस कटना चाहिए। पूरा का पूरा बहुत ही ट्रांसपेरेंट और पतले शीट्स काट पा रहा हूँ। तो मोर ओवर मेरे हिसाब से इसकी शार्पनेस तो पास है, और देयर बाय चाइनीज क्लीवर नाम है, तो चाइनीज कटिंग के लिए ये बहुत ही अच्छा जाने वाला है। कैन यू सी, ये देखो, फाइननेस की कोई मतलब क्या बोले कमी ही नहीं है। ये जो कटिंग है आपका, बेसिकली जो जूलियंस कटते हैं चाइनीज डिशेस वगैरह में, ये इस तरीके के जूलियंस बहुत प्रॉपरली काटे जाने चाहिए, ठीक है। अब अगर ये किसी भी प्रोफेशनल को यूज़ करना है तो मैं इसको बोलूँगा कि ये बास है, वो यूज़ कर सकता है, क्योंकि इस कटिंग को देखने के बाद भाई दिल खुश हो गया। चलो तो मैं अब कुल मिला के बात बोलूँ तो पिछले दो नाइफ से भी मैं इसे कंपेयर करने वाला हूँ साथ ही साथ। ओके, तो वेट वाइज फैक्टर अगर मैं बोलूँ तो जो सोलिमो का नाइफ था पिछले दो नाइफ, उनका वेट अराउंड 220 ग्राम्स के अराउंड है, एंड ये उनके डबल द वेट है। और मैं बोलूँ कि इसे काटने में, मतलब जो टमाटर को काटने में मुझे जो एफर्ट लगा है वो लिटरली नेग्लिजिबल है, मतलब कि जोर मुझे लगाना ही नहीं पड़ा है। आई हैव जस्ट गिवन द डायरेक्शन, मतलब कि नाइफ इस डायरेक्शन में चलता जाए, मैंने बस वही किया, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं किया। ये नाइफ ने खुद से काटा है ऐसा आप मान सकते हो, मैंने जोर बिल्कुल भी नहीं दिया था और वो लगातार चलते चला गया। बाकी बोलूँ तो ये नाइफ किसको लेना चाहिए, तो पहले तो मैं सोच रहा था कि उतना अच्छा बुचर वाला जो नाइफ का क्वालिटी इसमें शायद नहीं होगा, ये जब तक आया नहीं था मेरे हाथों में, उससे पहले तक बोन्स को कट करने के लिए प्रॉपर है। चिकन के लिए तो 200% हाँ है, क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी अगर आपको एक कटिंग प्रॉपरली टेक्निक आती है तो वो जो शेफ नाइफ है वो भी प्रॉपरली वर्क कर जाएगा, जो आपका चिकन का बोन को काटने के लिए, राइट। बट अब आते हैं मटन पे, मेरे हिसाब से ये मटन तक के लिए भी प्रॉपर है, आप इसे यूज कर सकते हैं। हालांकि अगर आप बोल रहे हैं एकदम जो बड़े वाले बोन्स हैं इसको आप बुचरिंग के लिए यूज करना चाहें तो मैं उतना ज़्यादा इसे प्रेफरेबली बोलूँगा नहीं, हालांकि ये वो कर पाएगा, बट जो एफर्टलेसली जो बोलते हैं ना वर्क कर जाना, तो मैं उसके लिए इसे थोड़ा सा मतलब क्या बोलूँ स्ट्रगलिंग फेस पे शायद पाऊँ। बट बाकी बोलूँ तो ये मटन के पीसेस को भी विथ बोन चॉप करने के लिए प्रॉपरली सक्षम मुझे लग रहा है, हालांकि आई डोंट हैव मटन बोन्स राइट नाउ, तो वो मैं आपको चॉप करके नहीं दिखा सकूंगा। देयर बाय काई भी होगा, KAI नाम का कोई एक ब्रांड था, काफी ज्यादा प्रेस किया जा रहा था, बट मुझे और लिटरली बता रहा हूँ उसका ब्लेड का ब्रॉडनेस जस्ट इतना था, मतलब कि फॉर अ क्लीवर उसका वेट क्या होगा एंड वो मुझे बिल्कुल नहीं जमा। आई डोंट नो ये इतना ज्यादा ऑर्डर क्यों किया गया था, मतलब ठीक है उतनी ज्यादा रेटिंग नहीं थी इसके बराबर, बट स्टिल मैं उसके लिए प्रेफर नहीं करूंगा। हाँ, वो रेट बिल्कुल इसके आधे के अराउंड था, अराउंड 400 के अराउंड शायद पड़ रहा था, और ये आपको पड़ेगा 680 के अराउंड, हाँ वैसा ही कुछ था इसका प्राइसिंग।
आप इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपको ये बाय करना है तो आप चेक कर सकते हैं। तो वो जो था ब्रांड का, तो उसमें मैंने एक चीज पाया कि अगर आपका जो ब्लेड का जो वेट है वो बहुत कम है और तो एज अ क्लीवर वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। राइट नाउ जैसे आपने देखा कि ये टोमेटोज कैसे एफर्टलेसली, आप इसमें अगर देखोगे ना, अगर आप इसमें जूम करो तो सारे कट्स आपको एक जैसे ही लग रहे होंगे, मतलब जो विड्थ होता है उसमें एक बराबर ही लग रहा होगा, कोई वो नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक रनिंग में गया हुआ है, ठीक है, मैंने कोई इफेक्ट नहीं दिया है, बस इसे दौड़ाया नाइफ को ओवर द चॉपिंग बोर्ड और सारे को एक जैसा काटा गया है। तो कुल मिला के मैंने इसका पूरे तरीके से एक रिव्यू दे दिया है। अब क्या ये वर्थ टू बाय है? मेरे हिसाब से ये एक वर्थ टू बाय है, आप इसे बाय कर सकते हैं। बट ये नाइफ मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा अगर आप एक टोटली बिगिनर हो, जस्ट बिकॉज ये नाइफ बहुत अच्छे तरीके से आपको डैमेज कर सकता है। मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि जैसे नहीं होता है, अपने नाइफ से मुझे काफ़ी प्यार है एंड हर एक नाइफ मुझे थोड़ा थोड़ा चोट दे करके गया है, लाइक तो निशानी सो कॉल्ड अगर मैं बोलूँ आपको, तो उसी तरीके से अगर ये नाइफ आपको निशानी दे जाता है और अगर आप एक बिगिनर हो तो बहुत जोरदार निशानी दे करके चला जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहूँगा। तो अगर आप जो शेफ नाइफ्स होते हैं उनके साथ हैबिचुअल हैं तो इनके तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। बाकी बोलूँ तो बहुत तगड़ी चीज़ है और उतना ही रिस्की भी। सो होपफुली आपको प्रॉपर इसका एक नाइफ का रिव्यू मिल गया होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, आपके जो सब्सक्राइबर एक एक जो भी जुड़ते जाएंगे वो बहुत वैल्यूबल है हमारे लिए, बहुत ही प्रोग्रेसिवली हम लोग वर्क कर रहे हैं। तो अगर आपको हमारा काम पसंद आता है और हमारा चैनल का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सपोर्ट करना। तो मिलेंगे आपसे ऐसे ही एक अच्छे वीडियो के साथ अगली बार, और शायद नेक्स्ट वीडियो अगर मैं इस रिलेटेड कुछ बनाऊँ तो नाइफ का आफ्टर केयर के ऊपर बनाऊँगा, बिकॉज किन्हीं से मैंने प्रॉमिस किया हुआ है, एक सब्सक्राइबर ही हैं, उन्होंने मुझसे सब्सक्राइब करने से पहले एक वर्ड टू स्टेटमेंट लिया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो मतलब नाइफ के शार्पिंग पे बनाऊंगा। एक्चुअली आप लोग सोचते हैं कि नाइफ कितना शार्प है, कितना शार्प है, ये खेल तब तक है जब तक इसका शार्प को आपको रीशार्प करने का जरूरत नहीं पड़ा है। अगर एक जैसे मैं बताना चाहूँगा एक छोटा सा बात कि अगर मटेरियल बहुत अच्छा होता है ना ब्लेड का तो वो शार्पनेस को लंबे टाइम तक होल्ड करता है, बट अगर मान लो मटेरियल उतना ज़्यादा फाइन नहीं है तो उसकी शार्पनेस जल्दी ही चली जाया करती है। तो वैसे में आपको क्या है ना कि, और अगर मान लो कितना भी अच्छा मटेरियल हो एक टाइम पे उसकी शार्पनेस जाती है, राइट, तो उसको आपको रेगुलरली शार्प करना होगा। शार्प करने की टेक्निक होती है और शार्प करने के बाद आपको नाइफ का आफ्टर केयर भी करना पड़ता है अगर आपका एक नाइफ अच्छा नाइफ है तो। सो इस वीडियो के लिए सारा कुछ यहीं तक, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।